रास्ता ही नहीं है, ये गांव बिलासपुर हमेशा डूबा रहता है, अब तब बना रहता है। तो क्या आप लोग इससे पहले इस चीज पे आवाज उठाए हैं, या अभी जैसे साजिद भाई ने कहा कि हमने आवेदन दिया है, इस पे और भी लोगों ने कुछ ये किया है कि इस पे ये हो? जी बोलिए। पुल यहाँ पे, पुल की समस्या यहाँ पे गांव की, पुल तो बहुत जरूरी है, बहुत ज्यादा हम लोग को पानी घर में घुस जाता है, काफी लोग हम लोग परेशान है इस मामले को लेकर के, 3-4 महीना हम लोग परेशान हो जाते हैं, घर छोड़ के हम लोग को बांध पे जाना पड़ता है, बहुत ज़्यादा समस्या ख़राब है यहाँ पर का, इस पर किया जाए कुछ ना कुछ। हम क्या कि यहाँ पे 10 बार ऐसा है कि ऐसे पानी के चक्कर में फंसा हुआ है कि हम लोग तो एक मानुष होने के भी मान्यता में लगता है कि लेडीज़ लोग को इतना जितना दिक्कत होता है यहाँ पर, हर जगह पूरा गाँव में पानी थपा था भरा हुआ, कहीं चलने का रास्ता नहीं, लेडीज़ लोग चलती भी है तो कपड़ा को अपने पाँव से ऊपर उठा के चलना पड़ता है, ऐसी समस्या इस गाँव के अंदर में। जल्दी से जल्दी इस पुल का निर्माण किया जाए, रेलवे भी अपना रास्ता घेर लिया और बिहार सरकार भी घेर लिया, तो जाए कहाँ बिलासपुर, पूरे कुंभे की तरह बीच में आके अटक गया है, उसका कोई रास्ता निकाला जाए, सरकार से यही आग्रह रहेगा, यही अपील है। ये जो पानी का जो समस्या है, हम लोग अच्छा तो घर रहते हुए बांध पर रहते हैं, पानी निकलने का कोई रास्ते है नहीं है, इसलिए सरकार को से हम लोग की अपील है कि जल्द से जल्द इस पानी निकलने का साधन किया जाए। हम लोग की माँ बहन अछत सब चीज़ रहते हुए घर से बाहर नहीं निकल पाती है और बाजार हाट करने में भी बहुत दुश्वारी होती है, इसलिए यहाँ पर पुल होना एकदम अनिवार्य है। मैं मोहम्मद तमन्ना बोल रहा हूँ, यहाँ मेरा घर यहीं पे है, यहाँ पुल के रहने की वजह से दिक्कत आ रही है, पहले पुल था तो पानी नहीं निकल जाता था उसी रास्ते से, और अब जब से पुल टूटा है 2004 में 87 में जो फंसा है, जब से पुल बना ही नहीं, जिसके वजह से पूरा घर डूबता, घर मेरा यहीं पे है, रास्ता पेरा सब बंद हो जाता है, घर में पानी घुस जाता है, किधरों से निकलने का रास्ता नहीं रहता है, और सब जगह सब ब्लॉक कर दिया, कोई रास्ता नहीं है घर से निकलने का, हम लोग जो है नाव भी यहाँ नहीं आ सकता क्योंकि छोटा जगह है, बहुत दिक्कत होती है चलने फिरने में, सांप कीड़ा, और घर में जो है लेटरिंग बाथरूम सबकी बहुत दिक्कत होती है, माँ बहन को भी घड़ी में रहना पड़ता है, नहीं तो बांध पकड़ना पड़ता है, इसलिए ये पुल का काम जो है जितना जल्दी हो सके ये करवाने का काम जो है हम लोग करें मिलजुल के, सरकार से भी लड़ाई लड़ रहे हैं, सब जगह से लड़ रहे हैं कि होना चाहिए पुल, ताकि हम लोग की दिक्कतें दूर हो। बोलना चाहेंगे? हाँ, बोलना चाहेंगे। हाँ, नाम मोहम्मद असलम है मेरा, हम लोग बहुत परेशानी में है, ये पूरा बिलासपुर जो है स्टेशन वाला जो रोड है और वहाँ पे घर है हमारा सरपंच के यहाँ पे, उसके कारण पानी जो लग जाता है तो समझिए कि आधा कमर पानी हेल के आना होता है, कुछ बढ़ जाता है तो वो रास्ता बंद हो जाता है, उसके कारण हम लोग को जो है आधा घंटा चल के मार्केट में आना पड़ता है, और लेडीज़ को तो आ ही नहीं, जो बूढ़ी है ज़ईफ है वो आ नहीं पाती है, उसके कारण हम लोग को जो है बहुत नुकसान भी होता है, बच्चा अगर बीमार पड़ गया तो हॉस्पिटल आने के लिए हम लोग को रात में कम से कम 2 घंटा लग जाता है, इसलिए यहाँ पर इस बांध पर पानी निकलने के लिए एक पुल की बहुत जरूरी है सरकार। तो आप सुन रहे हैं कि यहाँ पे क्या दिक्कतें आती हैं, जब बरसात का वक्त होता है तो डॉक्टर हकीम तक जाने के लिए सोचना पड़ता है, इस चक्कर में बहुत ज़्यादा परेशानियाँ होती हैं। फिर से हम बात करते हैं साजिद भाई से। ग्रामीणों की भी मांग है और गांव की ज़रूरत भी है, ग्रामीणों की मांग भी है, गाँव की ज़रूरत भी है, और ज़रूरत भी जो है आप देख रहे हैं कि कितनी जिन जल्दी बन जाए, इसके लिए ग्रामीणों ने काफ़ी मतलब अपना दुख व्यक्त कर रहे हैं कि जितनी जल्दी बन जाए उसमें हम लोगों की भलाई है, क्योंकि यहाँ गांव से निकलने का अभी रेल आज रेलवे बंद हो गया, कुछ दिन के बाद रेलवे से गांव से बिहार सरकार बंद कर दी है, गाँव मेरा जो है टापू की तरह हो गया, इस गाँव में जो है सो कुछ लोग सोच नहीं सकता, कुछ अच्छा बना नहीं सकता, कुछ रह नहीं सकता, रहने के लिए अच्छा घर सोच नहीं सकता, इसलिए मेरा बिहार सरकार से दोबारा मांग करते हैं, इस बात के लिए बार बार मांग करते हैं, रिक्वेस्ट करते हैं कि बिहार सरकार इसको जो है जितनी जल्दी हो अपने संज्ञान में ले, और रोड प्लस पुल यहाँ पर बनाना, जिस जगह मैं खड़ा हूँ वो बहुत ही नहायत ही ज़रूरी है, इसको जल्द से जल्द बनाया जाए। मैं मोहम्मद साजिद हुसैन, दरभंगा नगर कांग्रेस उपाध्यक्ष, सह प्रवक्ता, दरभंगा नगर कांग्रेस कमेटी।